हाय एवरीवन, आज हम सूजी और पचे हुए खील से बनी बहुत ही टेस्टी मज़ेदार चटपटा सॉफ्ट और हल्का फुल्का नाश्ते की रेसिपी लेके आई। एकदम नई रेसिपी है, 5 मिनट में बना के रेडी कर सकते हो। देखिए कितनी बढ़िया बनी है। देखिए इस तरह से हरी चटनी के साथ खाइए, खाली भी खा सकते हैं, गजब की लगती है। अब चलिए देर की इस बात की, नाश्ता को बनाना शुरू करते हैं। 1 कप खील ले लिया है, जो दिवाली के बचे हुए खील है, सबके घर में होती है। मैं इससे एक नाश्ता बना के बताऊँगी, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मिक्सर जार ले लिया है, अब मिक्सर जार के अंदर डाल देंगे। 1 कप से आधा हम सूजी मिलाएंगे। अब हम इसको पीस लेंगे। पीस लिया है, 2 चम्मच दही मिलाएंगे और 2 चम्मच पानी मिलाएंगे। 1 हरी मिर्च डालेंगे। अब दोबारा से हम पीस लेंगे। पीस लिया है, देखिए इसी तरह से पीसना है। अब बाउल में निकाल लेंगे, इसी के अंदर 1/2 कप पानी डालेंगे और मिक्सर जार को धो के डालेंगे। बाउल में निकाल लिया है, अब इसको हेल्दी बनाने के लिए कुछ सब्जी मिलाएंगे। 1 बारीक कटी हुई प्याज, 1 शिमला मिर्च, 1 टमाटर, हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच किचन किंग मसाला है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और कोई मसाला नहीं मिलाएंगे, इसी से ही हमारी नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अब मिक्स कर लेंगे। बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, क्योंकि हमने बहुत सारे सब्जी मिलाए हैं। अगर बच्चे सब्जी नहीं खाना पसंद करते तो इस तरह से बना दीजिए, बड़े शौक से खाएंगे। मिक्स कर लिया है, अब इसको 5 मिनट रेस्ट पे रख देंगे। 5 मिनट बाद चेक करेंगे। इसको हल्का फुल्का सॉफ्ट बनाने के लिए थोड़ी सी बेकिंग सोडा मिलाएंगे, ज़्यादा नहीं, 1 मटर के दाने जितना मिलाना है। मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लिया है, अब बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस पे चलते हैं। गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है, गैस ऑन कर दिया है। 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे। इस नाश्ता को हम कढ़ाई पे बनाएंगे। गर्म हो गई है, 1/2 चम्मच राई डालेंगे और 1/2 चम्मच तिल डालेंगे, थोड़ी सी करी पत्ता डालेंगे। अब तड़का को हम चटकाएंगे और इस तरह से फैला लेंगे। इस तरह से तड़का लगा के बनाने से बहुत ही टेस्टी बनते हैं। फिर 2 चम्मच भर के डाल देंगे, हल्के से फैला लेंगे। अब इसको कवर करके 3 मिनट पका लेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम करके। 3 मिनट बाद चेक करेंगे, देखिए ऊपर से ड्राई हो गई है। 2-3 बूंद ऑयल और डाल देंगे। अब हम पलटेंगे, इस तरह से छुड़ा लेंगे, फिर पलट लेंगे। देखिए बड़ी आराम से पलट गई है। फिर से 3 मिनट कवर करके पका लेंगे, फिर से चेक करेंगे, पलटेंगे। देखिए इधर भी कलर चेंज हो गई है। गैस का फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, अलट पलट के 2-3 मिनट और सेक लेंगे। बनाना जितना आसान है, खाने में उतना ही टेस्टी है। 5 मिनट में नाश्ता को बना के रेडी कर सकते हो। अगर आपके घर में बचे हुए खील पड़े हैं तो इस नाश्ता को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, सबको पसंद आएगी और सब मांग मांग कर खाएंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा अब बचे हुए खील से इस नाश्ता को बनाए हैं। ट्राई करिएगा, फिर कमेंट करके बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी लगी है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नई हो और इसी तरह की आसान नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए नाश्ता हमारी सीख गई है और कितनी बढ़िया कलर आ गई है। अब हम निकाल लेंगे, जरा से सभी को रेडी करके ले लेंगे। देखिए नाश्ता हमारी रेडी है, खाने के लिए कितनी बढ़िया बनी है। देखिए बहुत ही सॉफ्ट नाश्ता है, मुँह में देते ही घुल जाए। हरी चटनी के साथ खाइए, खाली भी खा सकते हो, बच्चों से लेकर बड़ों तक सब मांग मांग कर खाएंगे जरूर। इसी तरह की आसान और नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अब चलिए अगली वीडियो पर मिलते हैं, बाय।